आजकल के दौर में मौसम विज्ञान ने जलवायु और बारिश का अनुमान लगाने के लिए कई वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया है, लेकिन प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि ग्रह और नक्षत्रों की गणना से बारिश और जलवायु परिवर्तन के बारे में बताते आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कई नक्षत्रों को बारिश का नक्षत्र बताया गया है, वहीं कई को सामान्य और सूखे का प्रतीक बताया गया है। इन्हीं के आधार पर आने वाले समय में बारिश के होने ना होने की गणना की जाती रही है, जो लगभग सही साबित होती रही है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 13 सितंबर से अच्छी बारिश के योग बन रहे हैं, उसके बाद 27 सितंबर से हस्त नक्षत्र के लगने पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। अनुमान है कि ये इस साल की आखिरी बारिश होगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 13 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लगने पर अच्छी बारिश के योग बनते हैं, लेकिन 27 सितंबर से हस्त नक्षत्र के लगने पर भारी बारिश होगी। आम बोलचाल की भाषा में हस्त नक्षत्र के लगने को हतिया कहा जाता है। इस हतिया नक्षत्र का इंतजार किसानों को बेसब्री से होता है। इस नक्षत्र के जल को फसलों के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में बारिश के योग की गणना कैसे की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं। इनमें से कुछ पुरुष और कुछ स्त्री नक्षत्र होते हैं। इनके अलावा कुछ नपुंसक नक्षत्र भी हैं। सूर्य और चंद्रमा के विपरीत नक्षत्र में होना शुभ होता है। बारिश के लिए स्त्री पुरुष नक्षत्र होना जरूरी है। सूर्य चंद्र स्त्री स्त्री नक्षत्र में हो तो बादल बनते हैं, इसी तरह स्त्री नपुंसक नक्षत्र में हो तब भी बादल बनते हैं। सूर्य चंद्र पुरुष पुरुष नक्षत्र में हो तो मौसम साफ रहता है। इसके साथ ही पूर्व या उत्तर की वायु चलने पर बारिश होती है। वायव्य दिशा की ओर वायु हो तो भारी बारिश होती है। नवग्रहों से भी बारिश की गणना की जाती है। बुध शुक्र एक राशि में हो और गुरु की नजर हो तो उत्तम बारिश होती है। गुरु और शुक्र एक राशि में हो और बुध की दृष्टि हो तब भी अच्छी बारिश होती है। इस तरह ग्रहों की नियुति से बारिश होने का अनुमान लगाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नक्षत्र और ग्रहों के इन गोचर के आधार पर बारिश और जलवायु परिवर्तन का अनुमान हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से ही लगाते चले आ रहे हैं। उनके अनुभव के आधार पर भविष्यवाणियां सच भी साबित होती हैं। यही वजह है 13 सितंबर और 27 सितंबर को नक्षत्रों के विशेष योग से भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। किसानों की बात करें तो उन्हें हस्त नक्षत्र के आने का बेसब्री से इंतजार है। हतिया के लगते ही भारी बारिश होगी। आने वाले समय में धरती का जल स्तर बढ़ेगा, फसलों की पैदावार अच्छी होगी। 27 सितंबर के दौरान पितृपक्ष चल रहा होगा। धर्माचार्यों के मुताबिक पितृपक्ष में भी बारिश बनती रहती है। मान्यता है कि बारिश के जल को ग्रहण करके भी पितृ आत्माएं संतुष्ट होती हैं, अपने परिजनों को खूब आशीर्वाद देकर जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवता भी पितरों की पूजा में शामिल हैं और बारिश कर रहे हैं। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन। स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।